हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सा फूड ब्लॉग शेयर करने वाली हूं और इसमें मैं आप लोगों के साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। गर्मियों का दिन चल रहा है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें और थोड़ा सा लाइट खाना यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ खिचड़ी की ही रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को देखने के लिए इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक आउट कर लीजिए। मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, आप उसे देख लीजिए। सो इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी चावल की, तो हम यहाँ पे 3 कटोरी चावल ले रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं चने की दाल 1 कटोरी। देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मसूर की दाल 1 कटोरी। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने भिगो के छोड़ दिया है एक साथ। और अब हमें लेनी है प्याज, तो यहाँ पे प्याज मैंने लिए हैं 2 से 3, रफली चॉप किया है। आलू भी मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं 3 से 4, और टमाटर रफली चॉप कर लिया, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर और थोड़ी सी चीनी और कुकिंग ऑयल। तो इसे आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम अपने जो प्रेशर कुकर हमने लिया है उसे हम गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। 3 से 4 चम्मच तेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच। 1 चम्मच घी ऐड कर देने से जो खिचड़ी का फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, और जब ये इसका छौंका लगता है तो जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तब हम इसमें ये हमारे जो खड़े मसाले थे जैसे कि ज़ीरा और तेजपत्ता, लौंग और इलायची, दालचीनी, ये हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, ज़्यादा नहीं। बस हल्का सा चलाने के बाद इसमें हम जो प्याज हमने चॉप किए थे फाइनली उसे हम ऐड कर देंगे। और प्याज हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुलाबी करेंगे, क्योंकि वैसे भी जब हम इसके सारे मसाले फ्राई करेंगे तो प्याज जलने का डर रहेगा। तो इसलिए हम इसे जो प्याज है इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इसे हल्का सा चलाते हुए फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट का समय आपको मोस्टली लगेगा। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखते हैं तो कम समय में ये प्याज आपके फ्राई हो जाएंगे, लेकिन आपको चलाते रहना पड़ेगा वरना ये प्याज जल जाने का डर रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप मीडियम फ्लेम पे गैस की प्याज को फ्राई करिएगा, उससे आपकी प्याज जो होगी वो बहुत अच्छे से फ्राई होगी। तो अब हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है, तो इसमें हमने आलू ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो टमाटर रफली चॉप किए थे तो उसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इन टमाटरों को भी हम इसके साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, जो आलू और प्याज हमने डाला था और इसे फ्राई किया था। ध्यान रहे आपका जो आलू है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाना चाहिए, ताकि जो आलू का एक कच्चापन है वो हट जाए खिचड़ी के फ्लेवर से। और अब इस टमाटर को हम तब तक, ये जो चॉप्ड हमने किए हैं टमाटर, इसे हम तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। अब जब हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, देन हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, तो नमक मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है क्योंकि खिचड़ी है, चावल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। हल्के से मसाले फ्राई हो जाएंगे तो हम 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर देंगे। और अब हम इस मसालों को फ्राई करेंगे जब तक कि इन सारे मसालों में से तेल ना निकले, एक अच्छी सौंधी खुशबू ना आए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट आपको लगेगा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने में इन सारे मसालों को। अगर आप लो फ्लेम पे करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट लो फ्लेम पे जो अगर आप मसाले फ्राई करते हैं तो वो और भी अच्छे होते हैं, बट टाइम इतना ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं आज के समय में, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करके जल्दी खिचड़ी बना लेंगे। तो अब हमारे जो मसाले हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर चावल और दाल का जो भिगो के रखा था साफ धुल के उसे हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर पानी हमें ऐड, तो हमें यहाँ पे पानी ऐड करना है 2 से 2.5 कप, यानी कि जितना मैंने
चावल लिया था, जितना दाल लिया था उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें पानी ऐड करना है। आप भी जितने हिसाब से जितनी मात्रा में चावल लेंगे दाल लेंगे उसी मात्रा में आपको पानी भी ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 से 2.5 कप पानी ऐड कर दूंगी इसमें। और सारे मसालों को चावल के साथ अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम यहाँ पे पानी ऐड कर दे रहे हैं। अब इस तरीके से पानी को ऐड कर देने के बाद, अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और इसका जो ढक्कन है उसे लगा देंगे और 1 से 2 सीटी का वेट करेंगे। तो जब तक हमारी ये खिचड़ी तैयार हो रही है तब तक हम यहाँ पे रायता बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है दही और थोड़ा सा काला नमक, सादा नमक, और उसके बाद मैंने 1 चम्मच हींग ली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम लगा देंगे तड़का, जो कि तड़के के लिए मैंने यूज़ किया था राई और कड़ी पत्ता और सूखा मिर्चा। तो ये जो रायता है खिचड़ी के साथ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी खिचड़ी भी बनके तैयार हो गई है और अब हम इसे प्लेटिंग कर लेंगे इसकी, खिचड़ी की, और इस तरीके से इसे गार्निश कर लेंगे धनिया के पत्तों के साथ। और पापड़ के साथ, रायता के साथ आप खिचड़ी को सर्व करते हैं तो बहुत ही अच्छी सी डिश बन जाती है। और ये रेसिपी बहुत आसान है, ट्राई करके देखिए जरा ज़रूर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कितनी पसंद आई, ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मेरी नई वीडियो की अपडेट्स के लिए। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। लव यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।